हेलो बच्चों, आज हम अपने संक्षारण यूनिट का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे कि धातु को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से बचाओ, तो हम जान चुके हैं कि संक्षारण क्या होता है। आपको पता है कि धातु अथवा मिश्र धातु पर वातावरण की गैसों का अनचाहा आक्रमण होता है, जिससे धातु का ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है और धातु धीरे धीरे नाश होने लगती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण या कोरोजन। अब हमें देखना है कि बड़ी मात्रा में बहुत धातुएं जो है संक्षारण से नष्ट होने लगती हैं, तो हमें उससे क्या क्या बचाव करना चाहिए, कौन से उपाय रखना चाहिए जिससे कि धातु संक्षारण से बच जाए। तो सबसे सरल उपाय जो है वो ये है कि धातु को जल एवं ऑक्सीजन से हम सुरक्षित रखें। कोशिश यही करना चाहिए कि जो धातु की सतह है वो मॉइस्चर या नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। और दूसरे उपाय क्या है कि जो भी हमारे एपरेटस हैं, उपकरण हैं और उनकी संरचनाएं हैं, तो उनकी जब हम डिजाइन बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कोण, मोड़, दरारें, नुकीले अंश ये नहीं होने चाहिए। अब क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जो संक्षारण है, अगर उसमें सेल बन गया, यानी गैल्वेनिक सेल बन गया, यानी एनोडिक को कैथोडिक क्षेत्र बन गए, तो संक्षारण तेजी से होने लगता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि सेल का निर्माण ना हो, और सेल का निर्माण नहीं हो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि जो भी हम उपकरण बनाते हैं उसमें कोण, मोड़ और दरारें और नुकीले अंश नहीं होने चाहिए। दूसरी बात और क्या है, गैल्वेनिक सेल का निर्माण नहीं होना देना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए देना चाहिए कि क्योंकि संक्षारण जो है उसमें हमें तेज होने लगता है, इसके लिए एक ही तरह की धातु का उपयोग करना चाहिए। अगर हम एक ही धातु लेंगे तो एनोडिक और कैथोडिक क्षेत्र नहीं बनेंगे और संक्षारण नहीं होगा। और यदि हमें एक से अधिक धातु का उपयोग करना ही पड़ जाए तो उसके लिए क्या होगा कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उनकी रिएक्टिविटी या उनकी सक्रियता बहुत कम हो, बहुत कम अंतर हो। दोनों समान, लगभग लगभग समान तरह की धातुएं होनी चाहिए, उनमें विद्युत विभव में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। अब विद्युत विभव में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता में अंतर कम होना चाहिए। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का निर्माण नहीं होने देना चाहिए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेल का निर्माण ना हो। और क्या उपाय हैं? तो बच्चों, एक उपाय और हो सकता है कि हमें जो है प्योर मेटल लें, शुद्ध धातु लें। और अधिक हम और जाएं उपाय पे तो हम, और फोर्थ उपाय ये है कि मिश्र धातु का निर्माण करें या एलॉयज का निर्माण करें, जिसे लोहा है, कॉपर है, ये आसानी से क्या होता है, इनमें जंग लग जाती है। तो इसको हम कैसे रोकें? तो हम देखते हैं कि लोहे पर अगर हम क्रोमियम की लेप चढ़ा देते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाता है, और हम जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील में संक्षारण कम होता है। इसी प्रकार से निरोधक का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, निरोधक या इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स वो होते हैं कि विद्युत अपघट्य विलयन में ऐसे पदार्थ हम डाल दें जो कि एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं या फिर कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को रोक दे। तो कोई सी भी अभिक्रिया रुक जाएगी तो फिर संक्षारण आगे नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संक्षारण के लिए एनोडिक और कैथोडिक दोनों अभिक्रियाओं का होना जरूरी है। तो ऐसे पदार्थ हम डाल दें कि जो या तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया रोक दे या फिर कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया रोक दे। ठीक है, और क्या उपाय कर सकते हैं? नेक्स्ट उपाय हमारा है सुरक्षात्मक लेपन करके, यानी प्रोटेक्टिव कोटिंग करके, यानी धातु पर हम कोटिंग कर दें या लेप चढ़ा दें किसी भी धातु का, तो क्या होगा, हम संक्षारण से उस धातु को जो कि बहुत जल्दी से संक्षारित हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोहा ले सकते हैं, लोहे पर बहुत ही जल्दी संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है।
उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं? लेपन द्वारा भी बचा सकते हैं, स्प्रे द्वारा संक्षारण से बचा सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि कोई पिघली हुई धातु लेंगे जो कि लोहे से भी ज्यादा अधिक एक्टिव हो और वो एनोड का काम करे, क्योंकि हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोडिक धातु ही जो है वो संक्षारित होती है। तो हम क्या करते हैं कि कोई जैसे जिंक धातु है, जिंक धातु को पिघला दें और उसमें लोहे को डुबो दें, तो लोहे पर क्या होगा, जिंक की कोटिंग हो जाएगी और जिंक की परत जम जाती है, और इस प्रकार से हमारा लोहा है वो संक्षारण से बच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या हुआ, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। अब जिंक की परत किस तरह से चढ़ा सकते हैं, अगर हम छोटी छोटी धातुएं हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे उपकरण हैं, तो उनको पिघली हुई जिंक में डुबो देते हैं, तो इस प्रकार से उस धातु पर जिंक की कोटिंग हो जाती है। और क्या है, अगर बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं पे क्या करते हैं, स्प्रे कर दिया जाता है जिंक का। और क्या कर सकते हैं, एक और उपाय है टिनिंग। टिनिंग में क्या होता है बच्चों, कि जिस भी धातु का संक्षारण होता है, अर्थात हम लोहे का ही उदाहरण ले लें, तो लोहे पर टिन की परत चढ़ाना वो क्या कहलाता है, टिनिंग। जब तक टिन की परत लोहे को पूर्ण रूप से ढकी हुई रहती है तो लोहे पर जंग नहीं लगता, और जैसे ही वो परत हट जाती है तो लोहे पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही संक्षिप्त में हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी धातु को जिस पर कि संक्षारण तेजी से होता है उसको हम संक्षारण से कैसे बचाएं, उसको नष्ट होने से कैसे बचाएं। तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हमें ये उपाय करना चाहिए कि जो हमारा आसपास का वातावरण है उसमें नमी ना हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ताकि वो सीधा धातु की सतह पर आक्रमण ना कर सके और धातु का ऑक्सीडेशन ना हो। अन्य उपायों में हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी हम डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोण है, मोड़ है, दरारें हैं आदि नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, सेल का निर्माण हो जाता है जो कि संक्षारण को बढ़ावा देता है, संक्षारण की क्रिया तेजी से हो जाती है। इस प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध धातु का हम उपयोग करें। और भी अन्य उपाय में हमने देखा कि हम एलॉयज बना सकते हैं, मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि संक्षारण जो है हमारी मूल धातु का संक्षारण रुक जाएगा। इसी प्रकार से हम निरोधक का उपयोग कर सकते हैं, निरोधक या इनहिबिटर्स, जो कि एनोड या कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को रोक देता है जिससे कि संक्षारण रुक जाता है। इसी प्रकार से लास्ट हमने देखा था कोटिंग या परत चढ़ाना, और हमारे जो सिलेबस में है वो इम्पोर्टेंट दो ही है, गैल्वनाइजेशन और टिनिंग। गैल्वनाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। टिनिंग क्या होता है, लोहे पर टिन धातु की परत चढ़ाना। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन जो हमारा टॉपिक है वो आज पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम जो है हमारी धातु को या लोहा जिस पर सबसे अधिक जंग लगता है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए, तो इस बचाव जो मेथड्स हैं, बचाव की जो विधियां हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त में हमने आज जानी। नमस्कार।